तो दोस्तों कोड बी का क्वेश्चन नंबर 84 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन में क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को पूछा है। क्रोमियम के रेस्पेक्ट में देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्वेश्चन में क्या क्या कंपाउंड दिए हैं। CrH2O होल 6 Cl3, ये एक अपन को दिया है, और इसके अंदर अपन कैसे सोल्व करेंगे, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स मान लेंगे, और वाटर के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा, जीरो। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 × 0 +3। अब एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, तो यहां पे लिखेंगे -1 = 0, देन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3। तो अपना एक ऑप्शन तो आ गया कितना, +3। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं सीआर, अच्छा यहां पे देखते हैं सीआर C6H6 दिया है अपन को, इसका होल ट्वाइज लिख देंगे। क्रोमियम, क्रोमियम का तो अपन को निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, और बेंजीन, बेंजीन के ऊपर चार्ज क्या होगा, जीरो, जीरो है तो 2 × 0 इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। तो इस हिसाब से अगर अपन चलें तो अपने अभी दो ऑप्शन अपन को मिल रहे हैं, जिसके अंदर 3 × 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 × 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 × 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब अपन चलते हैं लास्ट वाले कंपाउंड के ऊपर, और उसके अंदर दिया है K2CrCn होल ट्वाइज ओ होल टू ओ टू एन एच थ्री। अब यहां पे समझना बात को कि क्रोमियम, क्रोमियम पे तो प्लस एक्स लिख दिया मैंने, के पे चार्ज एक पे +1 तो दो पे कितना हो जाएगा, +2। एक साइनाइड पे चार्ज -1 तो दो पे चार्ज हो जाएगा -2। इस तरीके से जब भी ओ लिखा हो तो अपन को वहां क्या कंसीडर करना होता है, ओ -2। इस तरीके से ऑक्साइडो तो दो पे कितना चार्ज हो जाएगा, -4। अब ये जो लिखा हुआ है ये डाई ऑक्सीजन भी हो सकता है, यहाँ पे ये परऑक्साइड भी हो सकता है, ये सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है, तो इसकी कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, जीरो भी -1 भी और -2 भी, और NH3 पे चार्ज क्या होगा, जीरो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अपन y की अलग अलग वैल्यू रख के। y की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे क्या, जीरो, y की वैल्यू रखता हूँ -1 और y की वैल्यू रखता हूँ -2, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी कितनी बेटा, +4, यहाँ पे कितनी आएगी, +5, और यहाँ पे आएगी कितनी, +6। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो x की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑप्शन मैच के हिसाब से देखें तो या तो +4 या +6, दोनों में से कोई एक आएगी, ठीक है ना। अब बेस्ट ऑप्शन क्या बोलता है कि क्रोमियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 और +6, तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन कौन सा मिला बेटा, +6, और +6 ऑप्शन मिला तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट वाले में +3, दूसरे में 0, और थर्ड वाले में कितनी हो जाएगी, +6। ठीक है, थैंक यू।